नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। देश लॉकडाउन के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों में है सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। आपको बताते कि देश लॉकडाउन होते ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूर्वी सिंहभूम पश्चिम सिंहभूम को जोड़ने वाले सीमावर्ती क्षेत्र हाता के समीप बैरिकेडिंग बनाकर प्रशासन द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हर आने जाने वाले को रोककर पूछताछ की जा रही है। बिना कारण के घूम रहे लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है, ताकि एक जिले से दूसरे जिले क्रॉस करने वाले को 14 दिन के क्वारंटाइन हाउस में भेजा जाए, ताकि बाहर से आने वाले मजदूर उनकी पर्याप्त जांच हो सके और कोरोना की रोकथाम में सहायक सिद्ध हो सके। तो हर एक गाड़ी को रोकना है, देखना है वो कहां से आ रहे हैं और किस पर्पस से जा रहे हैं। अगर उनके पास पास है, जिला प्रशासन के द्वारा पास दिया गया है, तो उनको जाने देते हैं, अन्यथा नहीं। दूसरे राज्यों से आने वाले, दूसरे जिले से आने वाले पर कड़ी निगरानी रहती है। क्या समझाया जा रहा है लोगों को? लोगों को यही कि लॉकडाउन है, आप घर में रहिए, बाहर अननेसेसरी बिना काम का बाहर नहीं निकलिए। लगातार 16 दिनों से तेजस्विनी वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा जरूरतमंदों असहाय गरीबों के बीच भोजन बांटने का काम कर रहे हैं। ट्रस्ट का एकमात्र उद्देश्य है कि अंतिम व्यक्ति तक भोजन पहुंचाना, ताकि कोई भी भूखा न रहे। ट्रस्ट द्वारा तैयार भोजन प्रत्येक दिव्यांग के घर घर तक पहुंचाकर लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ट्रस्ट द्वारा अपने निजी खर्चे से लोगों को लाभ देने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। लॉकडाउन के 20वें दिन हमने जमशेदपुर से होकर गुजरने वाली बड़ी वाहन का जायजा लिया, जहां सड़क पर पिछले 20 दिनों से लॉकडाउन के कारण फंसे चालकों और खलासियों का बुरा हाल है। शहरों, गांव और कस्बों पर सरकारी सुविधाओं के साथ स्वयंसेवी संगठन और राजनीतिक दलों की ओर से जरूरी राहत सामग्रियां पहुंचाया जा रही है, लेकिन नेशनल हाईवे पर फंसे लंबी दूरी के गाड़ियों के चालकों और खलासियों के सामने भूखमरी की नौबत आन पड़ी है। इनके पास न पैसे है न खाना बनाने का साधन। वहीं चालकों और खलासियों ने सरकार से थोड़ी सहूलियत की मांग की है, ताकि ये सुरक्षित अपने घरों तक पहुंच सके। फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि इनके लिए कोई राहत या छूट दी जाएगी। वैसे जिला प्रशासन और सरकार को मामले की गंभीरता को समझने की जरूरत है। कभी खाना आता है तो खाना नहीं, जब तक लॉकआउट रहेगा तब तक नियम का पालन करना है। करना होगा, हाँ पालन तो करना ही होगा नियम का। परेशानी यही सब, भोजन पानी का यही परेशानी है। और क्या, घर तक चले जाते, कम से कम घर भी चले जाते, घर तक तो अपना पहुंच जाते आराम से। गाड़ी खुल जाते हैं पलामू से। पलामू पूरी दुनिया के लोग जहाँ कोरोना वायरस से दहशत में हैं, वहीं लोग अपनों से दूर हो रहे हैं। कारण उनके नजदीक पहुंच जाने से वह काल के काल में समा जा रहे हैं। यही कारण है कि कोरोना वायरस से बचने का घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन करना। लेकिन कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में यह सब कुछ नदारद है। MGM अस्पताल में क्वारंटाइन सेंटर चल रहा है। संदिग्ध मरीजों का यहाँ जमावाड़ा लग चुका है, लेकिन इस अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी काफी दहशत में हैं। जिन एम्बुलेंस से संदिग्ध मरीजों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है, उस ड्राइवर के पास न ग्लव्स है और न इस वायरस से बचने के लिए कोई व्यवस्था। हमने जब एम्बुलेंस के ड्राइवर से बात करने की कोशिश की, तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि हमने अधीक्षक से जब सुरक्षा किट मांगा, तो अधीक्षक ने साफ तौर पर इनकार कर दिया और अस्पताल में सुरक्षा किट भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ क्वारंटाइन सेंटर के बाहर तैनात गार्ड का भी यही रोना है। उनके पास सुरक्षा किट की बात तो दूर, इनके पास न ग्लव्स है, न ही मास्क और न ही सैनिटाइजर। इस अस्पताल में संदिग्ध मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उधर ब्लड सैंपल भी इसी अस्पताल से लिया जाता है। यहाँ के कर्मचारी जान जोखिम में डालकर भगवान भरोसे काम कर रहे हैं, जबकि MGM अस्पताल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के गृह की जिला है। यह सरकारी अस्पताल की सच्चाई है। कदमा क्वारंटाइन में ले जाना है, सस्पेक्टेड केस है। हम सुपरिटेंडेंट साहब को किट मांगे, भाई किट हमको जरूरी है, शुगर पेशेंट भी है, बोला नेगेटिव है, ऐसे ले जाओ। कोई किट या कोई व्यवस्था आपको नहीं दे रहा है? नहीं, ऐसे ले जाओ। बोला देखिए आपके सामने खड़े हैं, ऐसे हम जाएंगे। अभी डर तो होगा मन में? डर तो है। पुलिस वाले को बोले हैं क्या? बोला पुलिस वाले उधर खड़े हैं दूर में, वो लोग दूर में, दूर में 1 किलोमीटर दूर में देख रहे हैं। और पेशेंट आया कहाँ से? पेशेंट भागलपुर का है। भागलपुर तो क्वारंटाइन के लिए ले जाना, यहाँ पे जांच के लिए आया। हाँ ठीक।
सरायकेला जिला मुख्यालय में लगने वाले साप्ताहिक बाजार स्थित सब्जी मंडी में जिला प्रशासन के तमाम प्रयासों के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न तो खरीदार कर रहे हैं और न ही दुकानदार। इधर जिला प्रशासन की सख्ती के बाद अब सरायकेला नगर पंचायत ने पहल शुरू की है, जहां सब्जी मंडी के प्रवेश के सभी 3 द्वार को बांस की बल्ली से घेर दिया गया है, जिससे केवल पैदल ही लोग हाट के भीतर प्रवेश कर सकेंगे। साथ ही सब्जी बाजार के भीतर 1 मीटर दूरी पर दुकान लगाने हेतु बांस की बल्ली लगाकर तथा सुरक्षा टेप लगाकर सभी दुकानों को अलग अलग किया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए सरायकेला नगर पंचायत के उपाध्यक्ष मनोज चौधरी ने कहा कि सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का कई प्रयास किया गया, मगर लोग नहीं मान रहे थे। इसी कारण लोगों को सुरक्षा को लेकर सामाजिक दूरी के मानक पालन करने हेतु अलग अलग दुकानें लगाई गई है। मुख्य सचिव और हमारी झारखंड सरकार का आदेश है कि 2 दुकानों के बीच कम से कम 15 फीट की दूरी हम लोग को मेंटेन करना है। तो इसके लिए हम लोग शुरू से काफ़ी प्रयासरत थे, लोगों को माइकिंग के द्वारा समझा के हम लोग काफ़ी जागरूक करने की कोशिश किए, परंतु हम लोग को पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा था, जिसको देखते हुए हम लोगों ने कल ये भी निर्णय लिया कि ये जो दैनिक बाजार है उसको स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, बिरसा मुंडा स्टेडियम में। परंतु हमारे उपाध्यक्ष महोदय श्री मनोज चौधरी के द्वारा ये आश्वस्त किया गया कि हमारा जो साप्ताहिक हटिया लगता है वहाँ पे इनके द्वारा बताए गए सुझाव में हम लोग यहाँ भी 15 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके सुचारू रूप से चला सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से हम लोग बहुत प्रयास किए, लेकिन जनमानस इसको अभी गंभीरता से नहीं ले रहा है। हम लोग नगर पंचायत की ओर से व्यापक तैयारी कर रहे हैं ताकि लोग अपना जानमाल की रक्षा कर सकें। लॉकडाउन के 20वें दिन दर्जनों जरूरतमंद राशनिंग विभाग का चक्कर काटते नजर आए। आपको बता दें कि एक तरफ जहां सरकार पीडीएस डीलर को हर प्रकार के जरूरतमंद कार्डधारी को राशन देने का फरमान जारी करने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जमशेदपुर में आज भी सैकड़ों ऐसे लाभुक है जिनका राशन कार्ड तो है लेकिन वह निष्क्रिय हो चुका है। ऐसे में डीलर उन्हें राशन देने से साफ इनकार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कई लाभुक ऐसे भी हैं जिनको आज तक ये भी नहीं पता कि उनका डीलर कौन है, अधिकारी इस संबंध में कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। नतीजा लाभुक लॉकडाउन के दौरान सरकारी खामियों को भुगतने को विवश है, वही राशन लेने के लिए सभी विभाग का चक्कर लगा रहे हैं। दिक्कत यही है सर कि मेरा राशन कार्ड बना हुआ है वाइफ के नाम पे, मगर हमको बहुत दिन से राशन नहीं मिल रहा है। मगर उतना दिन अपना काम चलता था तो राशन में उतना ध्यान नहीं देते थे, मगर अभी काम बंद हो गया तो अभी सरकार के द्वारा सुविधा मिल रहा है तो हम लोग चाह रहे कि वहीं से घर परिवार चले। कम से तो वही तो सर पता करने आया ना यहाँ पे, यहाँ हमको भेजा गया, हम लोग का अगल बगल राशन स्टोर है ना, वहाँ से भेजा गया कि थोड़ा सा आप राशनिक ऑफिस चले जाइए, वहाँ पर आपको वो मेरे को बताया कि मेरे दुकान में आपका नहीं, वो कोई सिस्टम से चेक किया, बोला कि आपका कार्ड बन चुका है, ठीक है ना, आप चले जाइए यहाँ पर, वो लोग बता देगा कि कौन राशन स्टोर में आपका कार्ड बना हुआ है, आप वहाँ से राशन प्राप्त कर सकते हैं। पता करने आए थे तो ठीक से जाओ, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, वहाँ से भगा दिया, खिड़की बंद कर। हम तो विद्यापति नगर में रहते हैं बारेडी में, यह मैदान से मेरा कार्ड मतलब बना, जब नया लेके गए उसी समय हमको 0 घोषित कर दी पुनीता सोरेन, और उसके बाद कुछ दिन के बाद जब एक है हमारे गाँव के मतलब मुखिया ही है माने समाज सेवक, उनको लेके गए तो बोले नहीं आपका कार्ड तो जिंदा है कैसे नहीं मिलेगा, बोल के 1 महीना हमको राशन दी सर। और उसके बाद मैंने 1 अप्रैल का मैंने पिछला साल नहीं हो गया 2 साल जैसा एक बार दी तो हम सोचे चालू हो गया, दोबारा महीना गए सर तो बोलते कि नहीं आपका तो कार्ड 0 है आपको तो नहीं मिलेगा राशन, बोल के हमको वापस भेज दी। उसके बाद हम यहाँ भी आए थे, बहुत भीड़ था तो यहाँ सर लोग खाली देखे बोले आपका तो 0 है, लोग भी ऐसे बोले, बोल के भेज दिए। हम फिर भी बहुत इधर दौड़े उधर दौड़े, मेरा नहीं हुआ। फिर जब अभी बाद में मैंने बीच में हम थोड़ा नर्वस हो गए कि शायद मेरा कार्ड में कुछ नहीं है, लेकिन वो एक बार भी हमको ये नहीं बोले कि आप पेपर ला के दीजिए, कभी नहीं बोली सर, उतना पढ़े लिखे रहते तो पढ़ लेते, उसका फर्ज था ना कि आप पेपर ला के दीजिए। और जब अभी जब इतना महामारी में भूखों मर रहे जब हम गए तो हमको बोलते तुम्हारा कार्ड एकदम मर चुका है, डेड है, नहीं कर सकते, कोई सेवा नहीं कर सकते, ऐसे बोले गया। हम बोले क्या थोड़ा चावल भी नहीं मदद कर सकते, नहीं बोल के मेरा फ़ोटो भी खींची थी, पता नहीं अब वो फ़ोटो क्यों खींची, किस लिए खींची मालूम नहीं। फिर हमें बीच में टेलको एरिया में हो रहा था गए थे तो वही सर हमको यहाँ भेजे कि आपका हो जाएगा चालू, आप जाइए, इसीलिए हम आए हैं सर यहाँ। पूरे देश में 21 दिन के लॉकडाउन से सभी लोग परेशान हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को है जो गांव से शहर तक आकर 2 वक्ती रोटी के लिए दिन भर कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन आज ना तो वह शहर से निकल पा रहे हैं और ना ही घर में रोटी है। हालांकि इन गरीबों के लिए रॉबिनहुड आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है। जिस इलाके में अब तक ना तो सरकार पहुंची है, ना सामाजिक संस्थाएं और ना ही स्थानीय प्रशासन, उन जगहों पर जाकर यही स्कूली छात्र छात्राएं और शिक्षक मानक सेवा में लगे हैं। रॉबिनहुड आर्मी एक स्वयंसेवक आधारित जीरो फंड ऑर्गेनाइजेशन है जो जरूरतमंद लोगों की सेवा करने के लिए रेस्टोरेंट और समुदाय से अधिशेष
भोजन प्राप्त करने के लिए काम करता है। रॉबिन्स में बड़े पैमाने पर छात्र और युवा कामकाजी पेशेवर है। जरूरतमंद वर्गों में जो लोग बेघर परिवार, अनाथालय, सार्वजनिक अस्पताल के सेवक और वृद्धाश्रम शामिल है। वास्तव में ये एक माध्यम है जिसके हम वैश्विक भूख को हराने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना वायरस की इस महामारी के समय यह संस्था प्रतिदिन गरीबों को पैकेट भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं, साथ ही राशन भी उपलब्ध कराया जाता है। यह सहायता उन लोगों को की जा रही है जिन तक किसी भी तरह का मदद नहीं पहुंच पा रहा है। हालांकि लॉकडाउन और बढ़ सकता है, लेकिन इन गरीबों का चूल्हा कभी न बुझे, इसकी व्यवस्था रॉबिनहुड आर्मी के द्वारा की जा रही है। हम लोगों को जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और खाने को दो टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, उनके लिए हम ड्राई ग्रेन्स पैकिंग कर रहे हैं और ये सब उन लोगों को पहुंचाया जाएगा जिनको बहुत ज्यादा ही जरूरत है ग्रेन्स का। कोलियांचल धनबाद की सड़कों पर एक बार फिर से कोरोना देखने को मिला। गौरतलब है कि कोरोना के इस भीषण कहर में भी गिने चुने कुछ लोग ऐसे हैं जो मटर गश्ती करने के लिए सड़कों पर निकल पड़ते हैं। पुलिस वालों के सामने तरह तरह का बहाना बनाते हैं, लेकिन घरों से निकलना बंद नहीं करते। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए समाधान नामक एक समाज सेवी संस्था ने एक अनोखा प्रयास किया है और करुणा और यमराज को सड़कों पर निकालने का काम किया है। कोरोना की तरह दिखने वाले ये लोग सड़कों पर लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते दिखे और लोगों को समझाते हुए दिखे कि आप खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार के साथ समाज को भी सुरक्षित रहने में हमारी मदद करें। हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं। भीड़ सब्जी लेने के लिए लोग जा रहे हैं, भीड़ लगाते रहे, कोई डर नहीं है। वो अपने साथ पूरे शहर का जान को खतरे में डाल करके रखे हैं, पर हम लोग ऐसा होने नहीं देना चाहते हैं। उनको बार बार समझाएंगे, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर जोड़ रहे हैं कि भाई साहब आपके साथ हमारा भी परिवार जो है वो खत्म हो जाएगा। तो हम अपना परिवार से बहुत प्यार है, अपने आप से बहुत प्यार है, अपने देश से प्यार है, आप लोग को जागना होगा। कई इलाकों से विधायक जी को फोन पे सैनिटाइज करवाने की सलाह मिलने पर विधायक राज सिन्हा ने खुद के प्रयासों से सैनिटाइज सिस्टम को इकट्ठा कर खुद ही गली मोहल्ले को स्वच्छ करना शुरू किया। इसकी शुरुआत आज विधायक राज सिन्हा ने स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि मनोरंजन सिंह को साथ लेकर हाउसिंग कॉलोनी से की। मौके पर विधायक श्री सिन्हा ने बताया कि कई इलाकों के लोगों ने मुझ पर भरोसा करते हुए, मुझ पर हक समझते हुए अपनी गली मोहल्ले को सैनिटाइज करवाने की उम्मीद जताई थी। कल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है। अपने महापुरुषों से सेवक की प्रेरणा लेकर आज बैसाखी के पावन दिन में स्वच्छता का काम प्रारंभ कर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास किया है। लेकिन बहुत लोगों का, कई एक कॉलोनी से लोग हमको फोन करते थे, अब पता नहीं कारण क्या है, लेकिन हो सकता है कि लोगों को हमारे ऊपर विश्वास ज्यादा है इसलिए लोग फोन करते थे अक्सर कि विधायक जी हमारे यहाँ सैनिटाइज कराइए, हमारे यहाँ सैनिटाइज कराइए। कई बार हम फोन किए भी नगर आयुक्त को, कहीं कहीं भेजे भी, लेकिन सब जगह नहीं हो पाता है। तो हमने सोचा कि जल्द से जल्द इसको काम को और तेज़ी लाया जाए और अपने प्रयास से भी एक हम गाड़ी निकलवाए हैं आज, और जहाँ जहाँ लोग बुला रहे हैं हमको बोलते हैं, कोशिश है कि सुबह एक एक फेज में 2-3 घंटा और फिर शाम में 2-3 घंटा, इस प्रकार से करके एक दिन में 2-2 मोहल्लों को सैनिटाइज करने का काम का हमने आज। वार्ड नंबर 25 में नेपाल काली मंदिर के नजदीक 7 बजे 7 संगीन लड़के बैग लेकर गुजर रहे थे। मोहल्ले वाले को संदेह हुआ तो उन्होंने रोककर तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। समाचार मिलते ही वार्ड पार्षद प्रिय रंजन भी मौके पर पहुंच गए एवं भीड़ को दूर किया एवं सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए सातों संदेश बता रहे थे कि वहां से चलकर पैदल साहिबगंज जाने के लिए निकले हैं। उन्होंने बताया कि खाने की कमी के कारण वह पैदल अपने घर की ओर निकल गए हैं और किनारे के रास्ते से, चोर रास्ता ही कहेंगे, मोहल्ले के अंदर से होकर के जा रहे हैं, में रहते हैं ऐसा बताया गया। तो मैं जब आया तो मैंने देखा कि यहाँ काफी भीड़ है, तो इंस्पेक्टर साहब को बताया, लोगों को हटाया भी और सूचना दी है थाना को। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि पेट्रोलिंग गाड़ी जा रही है और ये पदाधिकारी आए हुए हैं, अब ये क्या करते नहीं, पुलिस अपना छानबीन का विषय है, पुलिस इन्हें ले जाए और यहाँ से हम लोग भीड़ हटाएं और जो भी लोग बचे खुचे लोग हैं वो भी हट जाए जल्दी से। अभी जाके सबसे बड़ी बात है कि हम अपना जान बचाएं, सुरक्षित रहें। पूछताछ में ये अपना शेख टाइटल, सारे लोग शेख टाइटल बता रहे हैं और कुछ बात में कभी बोले कि साहेबगंज में रहते हैं, कभी बोले पाकुड़ जा रहे हैं, तो स्पष्ट नहीं था इसलिए संदेह उत्पन्न हुआ, तो पुलिस अपना जांच कर ले, देख ले।